हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर में सामरिक और पुरातत्व आधार पर महत्वपूर्ण एक सड़क 1 करोड़ के टेंडर जारी होने के बावजूद महीनों से कार्य शुरू होने का इंतजार कर रही है। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित आटी गांव को जोड़ने वाली सड़क मार्ग की। इस सड़क मार्ग के नवीनीकरण के काम के लिए बजट जारी हुए महीनों बीते जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है। यही वजह है कि सड़क के खस्ता हाल होने की वजह से न केवल दर्जन भर गांव के हजारों बाशिंदे गांव के साथ साथ सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण एक सड़क मार्ग को मरम्मत का इंतजार है। बाड़मेर से आटी को जोड़ने वाली इस सड़क मार्ग से सैन्य क्षेत्र जसाई और पुरातत्व लिहाज से महत्वपूर्ण जूना गांव जुड़ा है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ग्रामीणों की मांग पर विधायक कोटे से 1 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार काम शुरू नहीं कर पाए हैं, जिससे हजारों लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां बजट आवंटन के बावजूद काम नहीं शुरू होना समझ से परे है, वहीं इस सड़क के खस्ता हालतों की वजह से हजारों लोग हैरान परेशान है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए छोटू सिंह, इन्होंने ये कहा, और हमारे गाँव में आटी फांटा से लेके और दूना फांटा तक जो सड़क बनी हुई है 8 किलोमीटर, उसका वर्क टेंडर भी जारी हो गया। अभी तक कोई फर्म काम करने नहीं आई है। जुलाई माह में टेंडर हुआ है और अभी तक कोई काम करने नहीं आई। इसकी वजह से आगे जुड़ने वाले गांव बालेरा है, दूना है, 10-12 गांव है, सभी लोग परेशान हैं। और इमरजेंसी में हमारे को इतनी दिक्कत आ जाती है कि डिलीवरी केसेज हो गए, चाहे इमरजेंसी कैसी भी हो जाए, लेकिन रास्ते के कारण हर रोज़ 1-2 घंटे डिले ही होता है। उसकी वजह से हर रोज़ परेशानी हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रही है, और नाइट के समय में बाइक और छोटी मोटी जो भी व्हीकल होते हैं और उसके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, उसकी फॉक्स लाइटों के कारण डेली एक्सीडेंट होते हैं। और प्रशासन को कई बार हमने अवगती भी कराया है और प्रेस मीडिया की तरफ से भी करवाया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।